तो इट्स माई वाई बाय अर्पिता मेरा नाम है अर्पिता है नमस्ते टू माई लवली ऑडियंस मेरा आज का वीडियो है अबाउट दिस बुक कॉल द रिचेस्ट मैन इन बेबिलॉन इसका मैंने एक और वीडियो बनाया है पार्ट वन जिसमें फाइव गोल्डन रूल्स और फाइव लॉज ऑफ़ वेल्थ क्रिएशन मैंने डिस्कस किया है जो कि इस बुक में मैंशनड है इस ये है आ, इस वीडियो का इस बुक का पार्ट टू जिसमें मैं आपको बताऊँगी जो सेकेंड कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा विच इज़ सेवन क्योर्स फॉर लीन पर्स जो कि सेवन रूल्स है फॉर वेल्थ क्रिएशन इस बुक में जो मैंशनड है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंशनड है और मैं आपको ये बताऊँगी कि यू नो जॉर्ज एस क्लासिन की ये बुक है ठीक है ये बहुत ही पुरानी बुक है नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में आई थी बहुत पुरानी है उस टाइम पे जो मनी के रूल्स होते हैं जैसे अगर आपके बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है या आपको चाहिए कि उनका एक माइंडसेट बने अबाउट मनी या वो सीखने में इंटरेस्ट ले मेरे हिसाब से तो हर बच्चे ने इस किताब को पढ़ना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग uh, में अगर आपको रिच डैड पुअर डैड भी बहुत अच्छी बुक है बट अगर आपको शुरुआत करनी है जब वो स्टोरीज़ uh, के थ्रू सीखना चाहते हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है इसमें जो लैंग्वेज है क्योंकि बहुत पुरानी बुक है यू नो डॉथ एंड थोड़ी पुराने इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है बट उसका जो एसेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एसेंस बहुत ही अच्छा है सो so यूजली क्या होता है कि वेल्थ क्रिएशन का कोई मैजिक फॉर्मूला सच नहीं होता उसकी जो लेसनस है बहुत ही सिंपल होते हैं सो so जो वो लेसन उस टाइम पे थे वही लेसन्स अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट वेज़ में थ्रू टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं और उसको कॉम्प्लिकेट करके हंड्रेड वेज में हम प्रेजेंट करते हैं बट उसका जो कोर एसेंस होता है जो उसकी जो जो लेसन जिससे हमें सीख मिल मिल सकती है वो इस किताब में बहुत अच्छे से मैंशनड है सो so मैं आपको वो उसकी जो चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है सेवन क्योर्स फॉर अ लीन पर्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने हाईलाइट भी किया है so सो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी ओके सो लेट्स बिगिन सर सबसे पहले तो शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड इस किताब के बारे में कि जो बेबीलोन है ये एनशियन सिटी है सो so, ये जो शहर है बहुत पुराना उस वक्त में था यूफोरिट्स रिवर के बैंक्स को लग के और तब उस टाइम की ये वेल्दियस्ट सिटी हुआ करती थी ठीक है सबसे अमीर जो शहर और अमीर लोग थे यहाँ के सो so वो कंसिडर होती थी उस टाइम पे अब इसमें उन्होंने स्टोरीज़ के थ्रू समझाया है जॉर्जस क्लासिन ने स्टोरीज़ के माध्यम से हमको जो सीख दी है सो so, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे पर जो प्राइमरी नाम इसमें मेंशन है अरकत जो कि रिचेस्ट मैन इन Babylon जो मेंशन है इसका टाइटल वो वो होते हैं अरकत उसके अलावा है कोबी बसीर चैरिट बिल्डर होते हैं सो so, इनके बीच में ये कॉन्वर्जेस होती है ठीक है सो बसी कोबी और अरकद सो so, ये साथ में ही uh, इन्होंने पढ़ाई की होती है ये कि स्कूल गए होते हैं और ये साथ में ही फ्रेंड्स होते हैं उस टाइम पे, तो लेकिन जो अरकद है वो रिचेस्ट मैन बन जाता है बेबीलोन का ठीक है सो so, ये जो बशीर और uh, uh, जो को भी है बाकी के लोग जो उनके दोस्त हैं जो उतने अमीर नहीं होते अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनकी इच्छा होती है बाकी के जो लोग हैं जिनकी इच्छा होती है और भी कैरेक्टर्स मैंशन है इसमें तो उनके साथ एक दिन ये सोचते हैं ऐसा हरकत ने क्या किया ऐसा उसको क्या पता था जिससे वो रिचस्ट है वो हमने तो साथ में ही पढ़ाई की है हम खेल भी एक तरह के खेलते थे हम स्कूल भी एक तरह की जाते थे तो ऐसा क्या हुआ कि वो इतना अमीर बन गया और और हमें हम यहीं के यहीं रह गए तो वो एक दिन बाकी के सारे लोगों को लेकर एक दिन जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम उसके पास जाए और उसको पूछें कि ऐसा आपने क्या आपको आपके पास मैजिक मंत्र था या मैजिकल फार्मूला था या यू you नो know, आपको गॉडस ऑफ फॉर्चून ने जो सपोर्ट किया या ऐसा आपके पास क्या जो सीक्रेट फॉर्मूला था जिससे आप इतने अमीर हो गए और आप सबसे अमीर है इन द सिटी ऑफ बेबीलोन सो so, उस टाइम पे जो क्योंकि मैंने बताया ये बहुत ही पुरानी बुक है 1926 की उस टाइम पे इन्होंने बताया कि उस टाइम डॉलर या रुपया ये सब नहीं होता था उस टाइम पे करेंसी के लिए गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज ये सारा यूज़ होता था ठीक है और लोगों के पास एनिमल्स होते थे जो वो शेयर करते थे और और एनिमल्स को ट्रेड किया जाता था इनफैक्ट इंसानों को भी ट्रेड किया जाता था सो so, ये उस ज़माने की बात है बट um, कोर एसेंस इस बुक का यही है तो ये सारे लोग जाते हैं बसीर और अम, कोबी और उसके सारे फ्रेंड्स और जिनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है अमीर कैसे बनते हैं वो अरकद के पास जाते हैं और अरकद जो उनको जो भी अपनी लाइफ लर्निंग्स और जो रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन या मनी मेकिंग की वो इतने अमीर कैसे हो गए इसकी बातें जो बताते हैं जो ज्ञान देते हैं वो इस किताब में शेयर किया गया है स्टोरीज़ के थ्रू जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है फॉर यू नो किड्स जो बच्चे स्टोरीज़ के थ्रू ये सीखना चाहेंगे तो उनकी ये माइंडसेट फॉर्मेशन होगी मेरे हिसाब से हर बच्चे ने किताब पढ़नी चाहिए आम और आम या सो उसी को जब अरकत इनको बता रहे होते हैं सो अल एक और कैरेक्टर है अलगमेश जो अर्कद एक बिलियन मान लीजिए सो जो अर्कद को गाइड करते हैं ठीक तो है तो औरकत उनसे सीखते हैं अलगमेश से जो कि एक बिलेनियर होते हैं और जो भी उनकी लेसन है उनको उनके थ्रू अलगमेश के थ्रू पता लगती है जो कि ये बुक में मैंशन है ओके okay? सो so, अभी हम डिस्कस करेंगे सेवन क्योर्स फॉर अ लीन पर्स जो कि सेवन मैं बोल दूंगी सेवन क्योर्स फॉर अ लीन पर्स मतलब सेवन गोल्डन रूल्स ऑफ मनी मनी मेकिंग और वेल्थ क्रिएशन ठीक है लेट्स बिगिन सो सबसे पहला है द फर्स्ट क्योर इज आई एम जस्ट रीड इट आउट और मैं इसको अपना वर्जन और अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊंगी ठीक so, है सो सबसे पहला स्टार्ट तो इसमें ये लैंग्वेज यूज़ की है द के जगह दाए ओके सो स्टार्ट दर्स टू फ्लैटनिंग द फर्स्ट क्योर ओके सो इसमें एग्जाम्पल ये है बेसिकली वो बोल रहे हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट कि जैसे अगर आप um, दस रुपये ऑन कर रहे हैं सो so उसमें से आप नौ रुपये खर्च करिए और एक रुपया जो है वो आपने अपनी uh, अपने लिए सेव करनी है ख़ुद को पे करनी है सो वेन दे से पे योर सेल्फ फर्स्ट सो वॉट ही ट्राइंग टू से कि आपको खुद को पे करना है मतलब ये नहीं कि आप खर्च कर दो जितना भी यूजली क्या होता है कि हमारा जो इनकम uh, है हम उसमें से जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसको माइनस करते हैं जो हमारा एक्सपेंडिचर है सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो भी बच जाता है अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव करते हैं इज इक्वल टू सेविंग यूजली ये फॉर्मूला लोग यूज़ करते हैं तो इस बुक में लिखा है कि सबसे पहले आपने सेविंग करनी है टेन आपने निकालना ही निकालना है सो so, जो भी आप ऑन करें उसका टेन परसेंट आपने सेव करना है और वो सेव करके आपको उसको टच नहीं करना मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी जो कि आगे हम सीखेंगे बट पे योर सेल्फ का मतलब ही पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब ये यही है टेन परसेंट ऑफ योर इनकम आपने पहले खुद अलग से निकाली है एंड बाकी का जो बचा आप उसको खर्चा करिए ना कि जो आप पहले अपनी इनकम से पूरा खर्चा निकालेंगे और अगर बच गया तो आप सेव करेंगे तो so उससे क्या होता है यूजली आपकी इनकम फ्लक्चुएट हो जाएगी कभी आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो बचेगा नहीं ओके सो दैट्स द गोल्डन वन रूल और द फर्स्ट क्योर विच इज़ पे योर सेल्फ फर्स्ट एंड एग्स का एक एग्स और बास्केट की एनालॉजी के थ्रू इसमें बताया है कि अगर एक बास्केट है जिसमें आप दस एग्स डाल रहे हैं सो so, आप पूरे के पूरे निकालेंगे तो आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं लेकिन एक एग आप हमेशा उसमें से नौ अंडे निकालेंगे और एक एग छोड़ देंगे तो ऐसे क्या होगा हर सैलरी में आप अगर ये कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें बहुत सारे एग जमा होने लग जाएंगे इन फ्यूचर एंड दैट्स हाउ द सेविंग्स वर्क सो पहली हैबिट आपको करनी है पे योर सेल्फ फर्स्ट सेव टेन परसेंट ऑफ योर इनकम ओके सो दैट्स द नंबर वन क्योर सेकेंड क्योर इज कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स सो वेन

एटलीस्ट मंथ के एंड में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नेसेसरी एक्सपेंस है कौन सा अननेसेसरी एक्सपेंस है सो आई वुड सजेस्ट आप एक कॉलम बनाओ जिसमें आपका जो नेसेसरी एक्सपेंस आप पेंशन करो जैसे आपके ग्रोसरीज या आपको जो रेंट um, होता है या आपके पास कार है तो उसका खर्चा या जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यूटिलिटीज़ फ़ोन बिल्स ये सब जो होता है ये आपका नेसेसरी एक्सपेंस हो गया जो अननेसेसरी एक्सपेंस होता है जैसे कि आप शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आप थ्री टाइम्स इन अ वीक आप ऊबर मंगवा रहे हैं सो so प्रॉब्ली वहाँ पे आप थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं सो so अगर आप एक आ, अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एटलीस्ट आप देखिए कि आपका जो आ, पैसा है वो कैसे जा रहा है ठीक है सो वो खर्च कैसे हो रहा है और अगर आप उसमें कट डाउन कर सकते हैं अननेसेसरी एक्सपेंस आप रिड्यूस कर सकते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट वे टू to have better uh, savings okay so that's second cure so i'm telling you my understanding of the cures all right the third cure is make thy gold multiply so make thy gold multiply means um ki pay gold hota tha, money gold is resembling to money basically so agar abki pass अभी आप सेव करें सिर्फ सेव करने से तो कुछ होगा नहीं आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको इनकम जनरेटिंग एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो बेसिकली यू नीड टू इन्वेस्ट दैट मनी जिससे आपको पैसिव इनकम आए ठीक है सो इसमें एक और एक लाइन uh, है एज दे लेबर फॉर मी सो दे चिल्ड्रेन सो दे आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड विच इज़ मनी so what what he is saving as they labored for me so their children also labored and their children's children until great was the income from their combined efforts ठीक है in line का मतलब है कि जो आपके जैसे जिसमें भी आप save कर रहे invest कर रहे ठीक है तो उससे जो profit आएगा वेदर यूर डूइंग बिजनेस और जो भी चीज़ आप करें या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं सो so उससे जो प्रॉफिट आएगा आपको वो प्रॉफिट खर्चा नहीं करना है उस प्रॉफिट को या डिविडें जो आपके आ रहे हैं उसको भी आपने दोबारा से इन्वेस्ट करना है सो so यहाँ पे चिल्ड्रेन जो बोल रहे हैं ना गोल्ड के जो बच्चे होते हैं जैसे सिल्वर सो सिल्वर या कॉपर सो इवन उसके बच्चे भी आपके लिए काम करेंगे बेसिकली मीन मेक मनी वर्क फॉर यू ओके दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दिस सो दैट वॉज द थर्ड क्योर The fourth cure is guard thy treasures from loss. Okay, तो um, कैसे आप guard कर सकते हैं treasures from loss? सबसे पहले तो I would suggest do not invest in something that you don't understand. ऐसी कोई investment करिए ही मत जो आपको समझ में आते क्योंकि आपके friends ने opinion दिया suggestion दिया और आप भी उसमें कर रहे हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपने उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है ठीक है लेकिन फोर्थ क्योर गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस बेसिकली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इनकम जो भी चीज़ को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सो मेक श्योर करिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ है सो so, इसीलिए आप कंसल्ट करिए ऐसे लोगों से जिन्होंने जो मनी को इन्वेस्ट किया है और उसको मल्टीप्लाई किया है जो भी आपका गोल है सो so, ऐसे वाइज Uh, जो कंसल्टेंट्स होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स और अकाउंटेंट और जो आपकी टीम जो आप सिलेक्ट लेकर है सो so उनकी एडवाइज सुनिए जिन्होंने एक्चुअली खुद ये सारी चीज़ें करी है जो ट्रस्ट दी है और उनकी वाई ऐसे वाइज मैन uh, इसमें वर्ड्स यूज़ किया है दैट यू गॉट टू कंसल्ट विद दो वाइज मैन जिनको पता है इसको कैसे हैंडल करना है आप उनसे सीखिए और फिर आप इन्वेस्ट करिए ठीक है तो अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप किसी भी की भी सुनकर कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे कोई स्टॉक्स आपने सुना और, और ऐसा आप करेंगे सो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चला जाएगा एंड यू डोंट वांट टू डू दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट दैट ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस दैट्स द फोर्थ क्योर मैंशन इन दिस बुक ओके द नेक्स्ट क्योर इज द फिफ्थ क्योर इज मेक ऑफ दैट डुअलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ओके सो विच मीन्स ओन दाई होम अब ये वाला जो पाँचवा क्योर है कि आपने खुद का घर खरीदना है सो ये थोड़ा सा अभी आज के एज में ऑफ बिकॉज आई विल टीचर टू बी रिच बाय रोमीत सेटी ही इस अजस्ट कम्पलीटली डिफरेंट थिंग क्योंकि एक होम है इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी कि उसके सिर्फ घर खरीदने के लिए उसके साथ जैसे कार के लिए एसोसिएटेड कॉस्ट होते हैं तो होम कुड बी एन एसेट और लाइब्रेटी अकॉर्डिंग टू रिच डैट इम्पोर्टेंट बट हियर

लेट्स ए समन इज इन्वेस्टिंग दैट प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो कोई और उनका लोन का खर्चा दे रहा होगा उस प्रॉपर्टी से लोन का इंटरेस्ट और लोन की रिपेमेंट्स कर रहा होगा जो आप रेंट दे रहे हैं सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बाई योर होम इफ नॉट नाउ मे बी लेटर बट बाय योर होम इवेंचुअली दैट्स द फिफ्थ क्योर मैंशन इन दिस बुक इट्स नॉट माई एडवाइस ओके दिक्सथ क्योर इज इंश्योर अ फ्यूचर इनकम so insure a future income basically it's saying that uh, whether it's your income okay i'll read this out surely when such a small payment made with uh, regularity doth uh, produce such profitable results no man can afford not to insure a treasure for his old age and the protection of his family no matter how prosperous his business and his investment may be so basically whether you have a life insurance whether you want to uh, you have um, यू हैव टू गार्ड योर इनकम वट एवर मनी यू हैव और इन्वेस्टमेंट यू हैव अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है सो मेक श्योर करिए जो भी आपने हार्ड अर्न मनी आपकी है इट शुड इफ़ यू वॉन्ट दैट टू रीच योर चिल्ड्रेन सो यू गॉट टू प्रोटेक्टेड आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंश्योरेंस के थ्रू सो दैट्स वॉट दे आर सेंग दैट इंश्योर गार्ड ओके इंश्योर ऑफ फ्यूचर इनकम दैट्स द नंबर सिक्स क्योर सो इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली और आपकी प्रोटेक्शन जो भी आपने हार एन अर्न किया मनी अर्न किया है विद इट्स इनकम प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस हो एसिड प्रोटेक्शन सो मेक श्योर कि आप उसके बारे में पहले से सोचें दैट्स दिक्कस क्योर मैं दिस बुक सेवेंथ क्योर एंड द लास्ट क्योर जो कि इस ब्यूटिफुल बुक में मैंशनड है वो है इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न ओके सो सो वेदर इट्स अ साइड बिजनेस यूर डूइंग बट इवेंचुअली एविथिंग बॉयज़ डाउन टू कि आप अभी जो काम कर रहे हैं अगर इसके अलावा भी आप में कोई स्किल है या कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप कोई चीज़ ख़ुद पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंक्रीज एबिलिटी टू अर्न का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप पैसा खर्च करिए आप खुद पर भी इन्वेस्ट करिए क्योंकि आप कोई चीज़ नहीं सीखेंगे सो उससे ज़्यादा पैसा आएगा और आप ज़्यादा मनी सेव कर पाएंगे सो लर्निंग इज द बेस्ट थिंग एंड देर इज अ लाइन मैंशनड um In this book that if you learn right, you cultivate your own power, you study and become wiser, to become more sk uh, skillful, uh, to so act as to respect thyself. So ek respectful or wise insaan wo hota hai जिसके चार point इसमें mentioned है. He must pay his debts with all his promptness within his power, not purchasing that for which he is unable to pay. ऐसा वो कुछ खरीदते नहीं हैं जिसके लिए जिसके पास उनका पैसा नहीं होता.

अपनी फैमिली का वो टेक केयर करते हैं ही मस्ट मेक अ विल ऑफ रिकॉर्ड दैट इन केस इफ़ द गॉड कॉल हिम प्रॉपर एंड ऑनरेबल डिवीजन ऑफ इस प्रॉपर्टी बी अकम्पलिश्ड सो इसके बारे में बताया इंश्योर करना और विल बनाने के लिए सजेस्टेड है एक वाइज मैन वही होता है जो वो कह रहे हैं जस्ट इन केस इफ द गॉड कॉल्स हिम तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग अ विल और लास्ट है ही मस्ट हैव compassion upon those who are injured and smitten by misfortune and aid them with within reasonable limits he must do deeds of thoughtfulness uh, to those dear to him so of course apne knowledge ko ya wisdom ko spread karna unki madad karna within the capacity ek is ye bhi mention hai ki aapne overboard nahi jana hai theek hai um lekin dusro ki madad karni hai dusro ko gyan is the best thing and that's what i'm trying to impart through this video so that was my seventh क्योर मेंशन इन दिस बुक एक बहुत ही प्यारी किताब है बहुत इजी टू रीड है जल्दी ख़त्म हो जाएगी एक दिन में हो जाएगी यू you नो know. अगर आप बैठ के करेंगे तो आप वन सिटिंग में इसको वन टू टू आवर्स में कर सकते हैं और डेफिनेटली uh, अगर uh, जो बच्चे हैं जिनको फाइनेंस के बारे में सीखना है आप उनको डेफिनेटली ये किताब गिफ्ट कर सकते हैं सो um, so ये था सेवन क्योर्स फॉर लीन पर्स और सेवन गोल्डन रूल्स फॉर वेल्थ क्रिएशन और मनी मेकिंग मैंशन इन दिस बुक इफ़ यू लाइक दिस बुक Um, or if you liked what i told you if you like the review give it a thumbs up comment share and subscribe i will see you in my next video till then goodbye